जिन साहब बताएं सर, नए साल की शुभकामनाएं आज का स्टॉक। यस बिल्कुल अनिल जी, वंस अगेन हैप्पी दिवाली, हैप्पी गोवर्धन पूजा। और आज जो कि स्टॉक लाया वो है क्राफ्ट ऑटोमेशन, एक गजब की कंपनी। अगेन इस स्टॉक को मैंने जब लास्ट टाइम दिया था आराम से अचीव हुए टारगेट्स, और इस बार भी मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे ब्रोकरेजेस हाउस में ये स्टॉक को रेकमेंड किया गया है। और बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी कंपनी, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, और इसलिए वापस से जेम्स में क्वालिफाई। और रीजन एक और है, सेप्टेम्बर का क्वार्टरली रिजल्ट, क्योंकि डेटा चेंज है तो इसलिए देना जरूरी होता है, और डेटा चेंज बहुत ही पॉजिटिव हुआ है। दैट्स द रीजन मैं इसलिए इंक्लूड किया हूं मैंने, क्योंकि 30 मार्च 2022 को ये स्टॉक दिया था और उस टाइम पे भी टारगेट अचीव हुआ। और अब देखिए मैं इस कंपनी के बारे में थोड़ा बताऊंगा। बहुत ही एक सिंपल, एक हम्बल बिगिनिंग रही है कंपनी की। 1986 से ये कंपनी शुरू हुई, फिर उसके बाद रिसेंटली इन्होंने आईपीओ भी लाया था, और आईपीओ से इन्होंने डेट्स को रिड्यूस किया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी आईपीओ में डेट्स रिड्यूस होते हैं तो उसके बाद कंपनी में डबल बेनिफिट मिलता है, लिस्टिंग के बेनिफिट्स तो मिलते हैं और डेट्स रिडक्शन से एबिटा मार्जिन में भी, और वो सब कुछ इस कंपनी में देखा गया। और कंपनी देखिए ऑटो इंसिलरी कंपनी, ऑटो इंसिलरी पे वैसे ही काफी बुलिश हूं मैं, और सेवरल ये कंपोनेंट्स, सब असेंबलीज और ये सब बनाती है जॉब वर्क में, और करीब 12 प्लांट्स और 10 सैटेलाइट यूनिट्स है कंपनी के। तो ये तो हो गया इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, और लार्जेस्ट प्लेयर है मशीनिंग ऑफ सिलेंडर ब्लॉक्स और सिलेंडर हेड्स और एमसी और एचसीवी, मतलब हाई कमर्शियल व्हीकल और मीडियम कमर्शियल व्हीकल, और इन सब में करते हैं, और कुछ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कैटेगरी के भी ये लोग बनाते हैं। 53% तो इनका ऑटोमोटिव पावर ट्रेन से आता है, ऑटोमोटिव एल्यूमिनियम से आता है। और अच्छा खासा एक चीज है कि कुछ जो कैपेक्स किया इन्होंने उसका भी बेनिफिट बहुत अच्छा मिलने लगा इनको। और अब मैं आता हूं, अगर इनके फंडामेंटल्स को देखें तो बहुत अच्छी ग्रोथ पिछले इन्होंने कुछ दिनों में दिखाई है, और 20% के लगभग की प्रॉफिट की कैगर रही है पिछले 3 साल की। सेल्स की कैगर रही है 15% पिछले 5 साल में, कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। प्रमोटर्स का बैकग्राउंड बहुत अच्छा मैं देख रहा था, काफी सारे अवार्ड्स उन्होंने जीते, ईओ कोयम्बतूर से उन्होंने एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड जीता है, फिर सिटीजन अवार्ड काफी सारे, तो उससे भी बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। और 18 की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 15-16 का रिटर्न ऑन इक्विटी, और जो इबिट्टा मार्जिन की मैं बात कर रहा था, ओपीएम्स बहुत अच्छे है, 23% के ओपीएम्स पे कंपनी काम करती है, 22-23% इज अ गुड नंबर। सेप्टेम्बर 2021 का जो क्वार्टर था उसमें 49 करोड़ का पैट था, इस बार 61 करोड़ का पैट है, जो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स है, और 204 करोड़ का टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स कंपनी ने बनाए हैं। और प्रमोटर्स का जो शेयर होल्डिंग है दैट इज अमेजिंग, सबसे बढ़िया बात है प्रमोटर्स करीब 59% होल्ड करते हैं, एफआईआईएस डीआईएस गजब का होल्ड करते हैं करीब 21%, और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो वर्ल्ड बैंक की जो पार्ट है उनका 5% के लगभग है। तो रिटेल में सिर्फ 7-8% के लगभग है शेयर होल्डिंग, बाकी सारे मजबूत हाथों में ये स्टॉक है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए, 3250 और 3290 के टारगेट के लिए। 3250 3290 का टारगेट, और यहां पर खरीदारी करने की राय। स्टॉक कौन सा है जैन साहब? क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। अच्छा, जल्दी जल्दी में इसको क्राफ्ट ऑटोमेशन बोला जाता है क्या? नहीं सर, बोलना तो नहीं चाहिए, देखिए नाम को गलत करते तो अच्छा तो नहीं लगता, अपना भी नाम अगर गलत बोलते हैं तो कंपनी के प्रमोटर अगर सुनेंगे कि हमारा चैनल देखिए सब देखते हैं अनिल जी, ऐसा कोई है ही नहीं है कि नहीं देखता हूँ स्टॉक मार्केट का स्टॉक, अगर उसके दिमाग नाम में क्या रखा। नहीं सर ऐसा नहीं है सर, नाम में बहुत नहीं, जैसे नाम में क्या, हम तो आपकी भावनाएं समझ गए, हम तो आपकी भावनाएं समझ गए, जैसे आपने क्राफ्ट ऑटोमेशन बोला हम तो समझ गए, मैन बीच में वो जैन साहब खा गए, तो क्राफ्ट ऑटोमेशन ये है जैन साहब की पसंद का शेयर। हाँ शुरुआत में, हाँ आप रिकॉर्डिंग सुनना वापस। ओके सर, सुनता मैं जनरली तो सुनता ही हूँ सारे, मेरे वो शाम को दोपहर में मैं पोस्ट भी करता हूँ, ट्वीट भी करता हूँ। क्या सुनने की जरूरत है? मैं बोल जैन साहब, मैं बोल रहा हूँ, भरोसा नहीं मेरे ऊपर आपको? नहीं नहीं, अरे पूरा भरोसा सर, आपने बोला तो सर आपको हुक्म सर आपको पड़ता फिर आप तो भी राजस्थान में भी है, बहुत नजदीक में बैठे हुए है, तो ज्यादा मैं आपसे वो नहीं कर सकता। देखो छुट्टी के दिन, छुट्टी तो नहीं है मतलब छुट्टी के, हाँ छुट्टी के माहौल के दिन काम कराओगे तो मैं ऐसी ही गलतियां निकालूंगा बिना मतलब वाली, वैसा है तो क्या करें। देखो आज पूरे मूड में है सर आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब, बेहतरीन जी 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 सर जी सर। नहीं मतलब पूरे फेस्टिव मूड में है, राजस्थान में है, मजा आ रहा आपको देख के, और आज तो पूरा राजस्थानी कलर में भी हो, आप कैमल कलर का जो कुर्ता पहना है। बिल्कुल एकदम।